घसीट मींड और घसीट का मिश्रण तीन मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक और स्वर स्वामी दो ऑफिशियल इन दोनों चैनलों के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हो रहा हूं। गाने में मींड घसीट ये जो चीज होती है, इससे क्या फायदा होता है? इससे एक ही फायदा होता है, गाने में लोच तैयार होती है और कंसिस्टेंसी रहती है। और कोई भी गाना लोच युक्त आवाज होने के बाद में ही अच्छा साउंड होता है। और आपको गाने में लोच युक्त साउंड तैयार करना है, आपकी आवाज़ फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आपको मींड की ज़रूरत होती ही होती है। अब मींड कितने प्रकार की होती है? मींड होती है दो प्रकार की, ये तो आपको मालूम है, आरोही और अवरोही। अब कितने सुरों की गैप है उतनी मींड की लंबाई ज़्यादा रहेगी। अब मींड के साथ में जैसे सा रे रे, जब आरोही मींड आती है तो इस टाइप चलेगी, सागा सागा सामा सापा सापा सामा सागा सारे सा, ये हो गया आरोही मींड। अब हम आरोह भी किए और अवरोह भी किए, पर दोनों में हमने एक ही मींड यूज किया, सारे एक सागा दो सामा तीन सापा, हम गए इस तरीके से। अब उसी को नीचे उतार दिए, आरोही मींड से नीचे उतरे, सापा सामा सागा सारे सा। अब दूसरा प्रकार अवरोही मींड, रे सा ग सा म सा प सा। गौर करो हमने क्या किया है, रे सा पहले उतर गए बाद में सा बोला, ग सा म सा प सा प सा म सा ग सा रे सा। अब आपने ध्यान उसी तरफ दिया है जो कि मैंने दिखाया है, और यही होता है जो गुरु सिखाते हैं आपका ध्यान उसी तरफ रहता है, लेकिन उसके भी पार आपको अपना दिमाग लगा के गुरु ने क्या सिखाते वक्त चीज हुई है वो ध्यान रखना चाहिए। अब उसका उदाहरण देता हूँ, प सा म सा ग सा रे सा सा, ये मींड हो गए। अच्छा सर मींड क्या है? तो मींड एक सुर से, यानि जो सुर से हमको जिस भी सुर पे जाना है उसके बाहर से होते हुए, गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वही सुर के ऊपर से नीचे दूसरे सुर पे आते वक्त वो राग के सुर या डायरेक्ट उठान, दोनों चीजों का आपको फर्क ध्यान में रखना है। अरे सा ग म द नि सा द नि द म ग म ग सा ग सा, तो ग सा, यहाँ पे कभी भी आपको बीच में रे का आभास नहीं हुआ है, ग म द द सा ध सा, डायरेक्ट ध से सा तक आते वक्त जो एक वो कर्व आया है उसमें मालकोंस का ही आवाज होते हुए आया है, ध
सा, लेकिन पहली मिंट आई थी ध सा। तो ये दो प्रकार की मीन है, एक रागों के सुरों को बताते हुए चलना, दूसरा रागों में जो सुर है वो डायरेक्ट वहां से वो उसके क्षेत्र में भी नहीं आया। जैसे हवाई जहाज यहां से उड़ा तो वहां पे गया, तो बीच में गांव लगेंगे लेकिन वो नजर नहीं आएंगे। इसमें भी बीच में सुर लगेंगे लेकिन वो नजर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, यहां से जाने के बाद में वो रागों के अंदर कौन से सुर है उसको बताते हुए गाना, वो भी मीन का एक प्रकार है, लेकिन उसके राग में जो सुर नहीं है उसको भी सामने प्रस्तुत करते हुए आना, जिसको घसीट कहेंगे। अरे सागा मादा सा। अब इसमें क्या रहेगा, सब श्रुतियां भी लगे द सा द ब म म ग रे रे सा। अब देखो तीनों प्रकार, सागा मादा सा एक, सागा मादा सा, सागा मादा सा, सादा सा घसीट, सादा सा मीन, सादा सा मींड और घसीट का मिश्रण। तीन सृष्टि में तीन अंक सबसे बड़ा है, बचपन जवानी बुढ़ापा, बरसात गर्मी ठंड, सब चीज आप देखिए, मंद सप्तक मध्य सप्तक तार सप्तक, आप देखिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप सोचिए कि हर चीज तीन, तीन गुरु का अंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का मिला के एक। अब जब तीन इकट्ठा होते हैं तो ये शक्ति काम करती है, त्रिशक्ति त्रिनेत्र। आपको भी हर चीज में तीन प्रकार नजर आएगी।